नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन चैनल पे। और आपने शुरुआत की है, मेरा नाम एडवोकेट नीरज कुमार है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को नया विज़िट किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, टॉपिक ये है कि सेल्फ डिफेंस। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, सामने वाला जो पर्सन है हमारे साथ इतना गलत कर रहा है जिससे कि हमारी जान जाने का भी डर हो सकता है, जैसे कि किसी हथियार से किसी को मारने की धमकी देना और उसको मारना, किसी हथियार से किसी पर हावी हो जाना जिससे कि आपको ये लगता है कि भाई अब तो मेरी जान चली जाएगी, तो आप उस टाइम सेल्फ डिफेंस का सहारा ले सकते हैं। और किस तरीके से ले सकते हैं, मान लीजिए कि अगर आपको कोई पुलिस वाला इस तरीके से मारता है जिससे कि आपकी आंख फूटने का डर हो, आपका हाथ टूटने का डर हो, आपको अंदरूनी ऐसी कोई चोट लग सकती हो जिससे कि आपकी जान जाने तक पर आ जाए, तो क्या आप किसी पुलिस वाले पर हाथ उठा सकते हैं? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस वाले पर हाथ नहीं उठा सकता। अगर कोई किसी पुलिस वाले पर हाथ उठाता है तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके खिलाफ जो है लीगल कार्रवाई भी की जा सकती है। मगर यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कुछ पुलिस वाले इस तरीके से किसी को मारते हैं, चाहे उसने कोई लीगल ऑफेंस किया है या नहीं किया है, या उसने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, लेकर उसको मारने लग जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं, तो क्या वो व्यक्ति सेल्फ डिफेंस का सहारा ले सकता है? क्या वो उस पुलिस वाले पर भी हाथ उठा सकता है? जी हाँ, अगर उसको लगता है कि पुलिस वाला उसको इस कदर मार रहा है कि उसकी नाक कान आँख फूटने का डर हो, उसको अंदरूनी चोट लग सकती है, उसको उसकी जान तक जा सकती है, तो वो उस पुलिस वाले पर हाथ भी उठा सकता है लीगल डिफेंस को लेकर। जैसे कि किसी महिला का रेप करने की कोई कोशिश करता है तो क्या वो महिला उस व्यक्ति को जान से मार सकती है? जी हाँ, अगर किसी महिला के साथ रेप करने की कोई कोशिश करता है तो वो जो महिला है अपने बचाव के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए उस व्यक्ति को मार तक सकती है जहाँ उसको ये लगता है कि ये मेरे साथ दुष्कर्म कर देगा। तो सेल्फ डिफेंस यही है, जहाँ आपकी जान पर बात आ जाए, जहाँ पर आपको ये लगता है कि मेरी जान तक जा सकती है, तो आप वहाँ पर सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये तभी किया जा सकता है जहाँ पर आपको, जब तक आपको ये लगता है कि हाँ मैं अब जिंदा नहीं रहने वाला, मुझे ये सामने वाला पर्सन है जो जान से मार देगा, ठीक है, तो सेल्फ डिफेंस का प्रयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता हो कि आप सेल्फ डिफेंस का प्रयोग कब कर सकते हैं, तो हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं, अगर आपको ऐसी ही बेसिक लीगल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोस देखना है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।